मेरी सीट पर नींद आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की ऐसे। तो मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाके देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं और हमारी आज की क्या प्लानिंग रहेगी। जी दोनों सितारों के परे हुई गलती, सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थे। पिंक लाइन की मेट्रो हमेशा वेट कराती है, हमेशा चाहे मैं नाइट टाइम में हूँ या डे टाइम में हूँ, हमेशा मेरे को वेट करना पड़ता है। तो वेट करते हैं मेट्रो का, मेट्रो आने के बाद चलेंगे घर। उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरी बर्थडे की क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, रैंडम प्लान करने वाले हैं। फाइनली मेट्रो आ चुकी है। बैठी थी पिंक लाइन में मेट्रो स्टेशन पर और मैं आ चुकी हूँ मायापुरी। मैं मायापुरी से यहाँ से डीटीसी बस लूँगी, डीटीसी बस लेके फिर वहाँ से मैं जाऊँगी घर पर। फिर उसके बाद मैं अपने कुछ कपड़े ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या होता है। और मैंने अभी न्यू अपनी स्टेप कटिंग कराई है, इसमें अच्छे से दिख नहीं रही है, मैंने कॉम नहीं किया हुआ है। सही से कॉम करके दिखाती हूँ मेरी स्टेप कटिंग कैसी लग रही है। मैं यहाँ से डीटीसी बस लूँगी, डीटीसी बस का वेट करते हैं। डीटीसी बस के बहुत सारी बसेस की सर्विस कम हो गई है, बहुत सारे नंबर की बसेस कम आने लगी हैं अब। यहाँ पे कई बार 15 से 20 मिनट भी वेट करना पड़ जाता है, बहुत देर, इतनी गर्मी में आती ही नहीं है बस, बहुत कम आती है यहाँ पे। बस वहाँ से आई और उन्होंने, बस ड्राइवर ने उसको वहाँ से पूरा राउंड लेके और बस को इधर पार्क किया, उधर की साइड उतारा ही नहीं, इतना आगे पार्क किया, जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ देते। इससे अच्छा तो मेरे को इधर भी लाने की क्या नीड थी। दूसरा, ये रोड क्रॉस करना मुझे सबसे बड़ा टास्क लगता है, इतनी रोड क्रॉस करनी पड़ती है दिल्ली में रह के, सबसे बड़ा काम होता है रोड क्रॉस करना। इतनी इतनी देर तो मेरे को रोड क्रॉस करने में लग जाती है, इतना डर लगता है कई बार तो। ये देखो यहाँ की मार्केट का हाल, जब भी मार्केट में यहाँ पर थर्सडे मार्केट लगती है तो यहाँ पे ऐसे ही इतनी गंद, इतनी ज़्यादा गंदगी मचा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लोग यहाँ पर पास में रहते हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ पर थर्सडे मार्केट लगती है हरिनगर क्लॉक टावर के पास। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में देखो, यहाँ पे पास में जब भी मार्केट लगती है, इतना बुरा हाल हो जाता है मार्केट का, बिल्कुल निकल भी नहीं सकते हैं सही से। अभी तो मैं दूसरी साइड से जा रही हूँ, अगर दूसरी वाली साइड से जाती उधर तो और भी ज़्यादा गंदा करेगा मार्केट को। मिडास स्टूडियो जहाँ से मैंने नोज़ पिन कराई थी अपनी, और अभी मेरे को दोबारा दूसरी नोज़ पिन पहनने का मन कर रहा है। तो मैं गोल वाली नोज पिन लेने वाली हूँ, रिंग वाली जो होती है मैंने आज तक कभी पहनी तो नहीं है, पता नहीं कैसी लगेगी बट, लेकिन हाँ मेरा ज़रूर मन है उसको ट्राई करने का। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत तेज़ चल जा रही हूँ, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। हाँ चढ़ा बैठा है हुँ? यहाँ पर मेरे एरिया में इतने क्यूट क्यूट स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये देखो गाय माता पार्क में वॉक करते हुए। यहाँ पर रोड पर इतने सारे बच्चों को देख के मुझे अपने शोना की याद आती है। अभी 21 को मेरा शोना
मेरा पेट ऑस्कर मुझे छोड़कर चला गया, हीट स्ट्रोक हो गया उसको अचानक से गर्मी में, हफ्ते हफ्ते ही जान निकल गई उसकी। डॉक्टर के लेकर भी गए, इंजेक्शंस लगाए, बहुत कुछ हुआ। इन्हें छोटे छोटे बेबीज़ को देखकर गर्मी में उसी की यही चीज़ याद आती है कि इतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग। मेरा बेबी नहीं कर पाया, अभी तो वो कुल 6 साल का ही हुआ था और इतने में ही चला गया छोड़कर। अभी मेरे को ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि आ जाएगा अभी वापस निकल कर, अभी ज़िंदा है वो, कहीं नहीं गया है। मैं इस चीज़ को अभी अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा हुआ हुआ है और इसमें से कितनी गंदगी भी आ गई है। 3 दिन से कूड़े वाले भैया नहीं आए हैं, आज सोच रही हूँ कूड़े डाल के आती हूँ। तो मेरे इतने सारे गिफ्ट आ चुके हैं, 1-2 गिफ्ट तो इसमें से खुल चुके हैं बट मैंने अभी तक देखे नहीं है ध्यान से। और एक गिफ्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है, पावर बैंक आया है। एक मेरे फ्रेंड ने दिया है पावर बैंक और काफ़ी टाइम से मेरे को वेट था। जहाँ पर भी मैं अभी तक ब्लॉगिंग कर रही थी वहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती थी तो मैं काफ़ी वीडियोस नहीं बना पाती थी, मिनी मिनी ब्लॉग करके आ जाती थी हमेशा बट। लेकिन अब ये पावर बैंक आ गया है तो अब मैं काफ़ी अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ और पावर बैंक की वजह से मैं फ़ोन कहीं पर भी चार्ज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके अभी चार्ज करके फुल करके रखती हूँ। तो गाइस मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है वीडियो में अच्छा लगने के लिए, तो अब बाकी गिफ्ट देखते हैं। ये तो अब कौन सा गिफ्ट खोला जाए, मेरा दिल इस पे आ रहा है और मेरे को लग रहा है ये मेरे एक मेरे भाई ने भेजा है और एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड ने, एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को शूज़ दिया है। ये तो क्लियर पता ही चल रहा है कि शूज़ हैं क्योंकि बड़ा काफ़ी बड़ा सा बॉक्स था। और ये आई है एक पैंट, तो अब ये चारों गिफ्ट खोल के दिखाती हूँ, सारे गिफ्ट ओपन करूँगी। Born to win, India की brand, India के लिए UNI का power bank है। Finally अब मैं इसको use करूँगी, इसमें अपनी केबल लगा के देखती हूँ। इसमें एक केबल है साथ में बट मेरे को लग रहा है ये इसके साथ नहीं आई है शायद, और ये मेरे वाले फ़ोन की है भी नहीं, ये किसी और फ़ोन की है, तो मैं अपना फ़ोन का ट्राई करके देखती हूँ। कवर भी मंगा रखा है, ऊंचा पांटा वाला कवर है। यस, तो ये मेरे केबल से ही चार्ज होगा, इसको चार्ज करते हैं। चार्ज तो ये किसी भी केबल से हो जाएगा बट हाँ मेरा फोन हो जाएगा इससे चार्ज। पहले इसको मैं ओपन कर चुकी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास 4 गिफ्ट बचे नहीं गए, 1, 2, 3 और 4, तो मैं 4 में से सबसे पहले कौन सा ओपन करूँ। समझ नहीं आ रहा है इन दोनों गिफ्ट में क्या है, चलो यही वाला ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। पैकिंग तो ऐसे करते हैं ये लोग, जैसे पता नहीं क्या ही हो, कितने खजाने भर रखे हो उसमें, इतनी ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है। और इसके अंदर तो एक और गिफ्ट है और वो भी पैक्ड है, क्या हो सकता है इसमें। ओ, इसमें मैसेज भी है कुछ, गिफ्ट फ्रॉम रमशा, लव यू मैन, एंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम रमशा। इसमें स्वीट सा मैसेज आया है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्वीट सा मैसेज रमशा की तरफ से। अब मैं गिफ्ट ओपन करती हूँ, इसमें क्या है, मन तो कर रहा है फाड़ दूँ बट पैकिंग फाड़ने का मन नहीं करता है, प्यार से ओपन करने का मन करता है।
अच्छा लग रहा है, उसको खुद ही पैक करके दिया हूँ, बट लेकिन ये तो अमेजोन की पैकिंग है। अमेजोन की पैकिंग खुद ही पैक करके रख दिया था क्या? और इसमें तो कुछ सुंदर सा है, ब्लू हेवन कुछ ऐसा सा बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या है। बी ब्यूटिफुल दिस फेस्टिवल मीडियम टोन कॉम्बो। ओ गाइज यहाँ पे लिखा है ये है फेस्टिव मेकअप किट, तो रमशा ने मेकअप किट भेजी है, अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। इसमें बहुत सारा मेकअप है, मेकअप तो मेकअप करना आता भी नहीं है सीरियसली, सो देखो कितना सारा मेकअप आया हुआ है। ये रहा इसमें लिप माउस अल्ट्रा मैट की, इसमें लिप आई लिप कलर आया है, इतना प्यारा लिप शेड है। सेकंड इसमें मैट का फाउंडेशन आया है, आधे मेकअप तो मेरे को पता ही नहीं है कि होते क्या है, मुझे इसमें से करना ही नहीं आता है यूज कैसे कैसे करते हैं। काजल ओ वाओ कितना प्यारा पैलेट है, मेरे को अभी सी ब्राइडल बनाना था क्या, अभी से मेरी किट तैयार कर दी है। और ये मस्कारा है, आईलाइनर आया है, प्यारा लग रहा है देखने में। एंड दिस इज आईब्रो, दिस इज फॉर आईब्रो। वाओ मैं बोलती थी अमृता को, मैंने कहा इतना अच्छा मेकअप करती है, मेरे को कुछ सजेस्ट कर मैं क्या ऑर्डर करूँ, तो उसने मेरे लिए बर्थडे पर सारे कॉम्बो ही ऑर्डर कर दिया, पूरा मेकअप किट सेट ऑर्डर कर दिया है, इतने प्यारे गिफ्ट्स हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड। गिफ्ट फ्रॉम तेरा फेवरेट ब्रो, लव यू मेरे मोटे, खुश रहे, एंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम तेरा फेवरेट ब्रो। ये देखो इस पे कस्टमाइज मैसेज भी है गिफ्ट के ऊपर, अब आपको गिफ्ट दिखाती हूँ क्या है, संभाल के रखूंगी इसको। ठीक है perfumes,
तो बाहर से फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही ज्यादा। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना। तो प्यारा गिफ्ट है, मेरे भाई ने मेरे को परफ्यूम भेजे, इतने इतना अच्छा फ्रेग्रेंस कर रहे हैं ये। थैंक यू सो मच। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना। रह लूं ना अब तो आए जा, आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। तो ये मैं सो चुका है इतना ज़्यादा रूम में। यहाँ पे हो रही है हमारे पोहे की तैयारी। अब पोहा बनाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे बनेगा। पोहा बन के रेडी हो गया है। मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करी बट ऑन करना ही भूल गए क्या हमको, तो हम नॉर्मल वीडियो दिखा रहे हैं। फाइनली हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपनी ड्रेस की फिटिंग कराने। न्यू ड्रेस ली थी बट वो मुझे फिट नहीं आ रही है क्योंकि टाइफाइड की वजह से मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया है। मैंने सूट की फिटिंग के लिए दे दिया है और हमारा प्लान बन चुका है। हम कहाँ जाने वाले हैं घूमने के लिए, बर्थडे प्लान कर लिया है मैंने, रैंडम प्लान बनाया है। टिकट्स भी बुक नहीं हुए थे हमारे, अब हमने सूट फिटिंग के लिए दे दिया है। आधे घंटे बाद हमें सूट मिल जाएगा। अब हम वापस घर जा रहे हैं, आधे घंटे बाद फिर से सूट लेने के लिए आएंगे। तो गाइस पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं पैकिंग करके। मैं रेडी होती हूँ, रेडी होके निकलते हैं हम ट्रिप के लिए। ड्रेस लेके आ गई हूँ, पैकिंग भी डन हो चुकी है सारी। अब हम फटाफट निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। अब आपको आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, उसमें आपको दिखाऊँगी अपनी आगे की जर्नी और उसमें मैं दिखाऊँगी मैं अपना बर्थडे कैसे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। मेरा प्लान पूरा सेट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।